Hello students, yesterday we were reading about cactus. I have told you cactus. What is cactus? Name of a plant which does not have leaves and flowers. बिना पत्तियों का बिना flowers का ये एक plant होता है. Yesterday we were reading a story about the cactus. Means there were a lots of flowers in a garden, daisy, daffodils, tulip, rose, sunflower. Means many flowers were there, and the old flowers were friends together, but they do not like cactus. And in the end of the story, all the flowers won. To be friend with cactus. Why? In the end of story, story के end में सारे flowers जो हैं starting में कोई भी flower cactus को पसंद नहीं करता है, like नहीं करता है. And in the end of story, और जैसे story ख़त्म होने वाली होती है तब हमें पता चलता है कि हर एक flower उस cactus से friendship करना चाहता था. ऐसा क्यों? ऐसा क्या हुआ था? Let's read the story. Yesterday we were reading that once there was a sower drought in Rimdim Rajya mein ek baar bahut bhayankar sukha pada tha and there was no water anywhere aur wahan pe kahin bhi koi pani ki vyavastha nahi thi. The rivers, the ponds and even the wells started drying. ड्राइंग का मतलब होता है सूखना. तो जो पॉन्ड्स, रिवर, नदियाँ, पॉन्ड्स, तालाब, वेल, कुएँ, तालाब, नदी, इनमें जो पानी था वो सूखना शुरू हो गया था. एंड द पुअर गार्डनर वुड टूर्स का मतलब होता है पैदल चलकर पानी लेके आना. ट्यूर्स फॉर माइल्स इन सर्च ऑफ वाटर, पानी को ढूंढने के लिए कई मीलों तक वह पैदल यात्रा करता था. यानी पैदल जाकर के वहाँ से पानी लेके आता था. गार्डनर फॉर प्लांट्स एंड रिटर्न विद अ पॉट और टू, और वापस आते टाइम उसके पास वन और टू पॉट्स ही वाटर होते थे. विच ही वुड गिव टू हिज फ्लावर्स, जो कि वो अपने फ्लावर्स को दे देता था. सून इवन दैट स्टॉप इट, और जल्द ही ये सब भी बंद हो गया. यानी जहाँ से गार्डनर पानी लेके आता था वहाँ पर भी पानी ख़त्म हो चुका था. The people of the kingdom, उस राज्य के जो लोग थे, started running away to other cities, और दूसरे शहरों में जाना शुरू हो गए थे. यानी उस राज्य में जो लोग थे वो पानी की कमी की वजह से आसपास के जितने भी सिटी जो शहर थे उनमें जाना शुरू हो गए. And the gardener too, और gardener भी went away, चला गया with a heavy heart. Only the flowers were left behind. यानी गार्डनर भी है भारी दिल से वहाँ से चला गया. अपने सिर्फ वहाँ पे फ्लावर्स बचे थे और बाकी सब वहाँ से जा चुके थे. The cactus had plenty of water. The cactus had plenty of water stored in its stem. ये जो cactus जो होता है इसकी जो stem होती है उसके अंदर वह पानी स्टोर करके रखता है. ठीक है, एडवांस में ही वह पानी है अपने स्टीम्स के अंदर स्टोर करके रख सकता है. सो एज इट सो द फ्लावर्स, जैसे ही उसने फ्लावर्स को देखा, विल्टिंग अवे, विल्टिंग अवे का मतलब होता है उदास होना, बट हियर वी कैन से विल्टिंग अवे, स्थिर हो गए थे, मुरझाने लगे थे या गायब होने लगे थे. इट्स टेंडर, यानी टेंडर का मतलब होता है दयालु. लेट मी टेल यू सम वर्ड्स. विल्टिंग wilting tender dayalu, kind means also dayalu and tender means also dayalu. Melted pighal gaya, melted मेल्ट पिघलना, मेल्टेड पिघल गया.
TRUBZE. Truz. Truz means पैदल यात्रा. पैदल चलना. Several drought. Next है means भयंकर सूखा. सूखा मतलब बारिश नहीं होती तो सब कुछ सूख जाता है. ओके सो द कैक्टस हैड प्लेंटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन इट्स स्टीम्स. स्टीम्स का मतलब होता है उसका तना. एज इट सो द फ्लावर्स विल्टिंग अवे. जैसे उसने देखा कि सारे फ्लावर्स वो मुरझाने लगे हैं, गायब होने लगे हैं, सूखने लगे हैं. इट्स टेंडर हार्ट मेल्टेड. तो इसका जो दयालु दिल होता है वो पिघल जाता है. किसका? कैक्टस का. रोज, सनफ्लावर, डेजी, क्रिसेंथेमम, कम एंड ड्रिंक द वाटर स्टोर्ड इन माई स्टीम्स. तो वो सारे फ्लावर्स के नेम लेता है और उनको बोलता है कम आओ एंड ड्रिंक. पियो द वाटर स्टोर्ड इन माई स्टीम. यानी मैंने अपने स्टीम्स में जो पानी स्टोर करके रखा हुआ है आओ तुम उसे पी लो. द फ्लावर्स सॉरी इट सेड. ऐसा किससे कहा? कैक्टस ने. किससे? सारे फ्लावर्स से. द फ्लावर्स हेजिटेट. हेजिटेट मतलब शर्मिंदा फील करना, संकोच करना. लुकिंग एट ईच अदर और एक दूसरे को देखने लग जाते हैं. क्या करते हैं? वेन वैन द कैक्टस सेड दम टू कम एंड ड्रिंक वाटर दैट वॉज स्टोर्ड इन इट्स स्टीम. हेजिटेट का मतलब होता है संकोच करना. Then they were watching to each other. वो एक दूसरे को देख रहे थे what should we do? Because उन्हें तो वो पसंद ही नहीं था ना, तो अब वो पानी कैसे पी सकते थे. How could they accept a favor from a creature they had always treated with nothing but contempt? यानी वो एक ऐसे क्रिएचर से, ऐसे प्राणी से कैसे हेल्प ले सकते थे. फेवर का मतलब होता मदद. वो उसका उसकी उसका जो फेवर था उसने उनको दिया था, देने के लिए बोला था, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कैसे करते क्योंकि उन्होंने उसके साथ बहुत रूडली बिहेव किया था, उसको बहुत अपमानित किया था. कंटेम्प्ट का मतलब होता है अपमान करना. रोज बींग द स्मार्टेस्ट. रोज है वो स्मार्ट बनता है. स्टेप्ड फॉरवर्ड आगे बढ़ता है. थैंक्स थैंक यू बोलता है. इट मम्बल्ड. मम्बल्ड का मतलब होता है बड़बड़ाना. मम्बल बड़बड़ाना यानी sometimes when two brother and sisters are fighting at home, when they fight and mother scold to one, जब मम्मा किसी एक को डांट देती हैं और उसके बाद बोलती हैं कि तुम उससे बात नहीं करोगे, तो हम कई बार क्या करते हैं, भाई या दूसरे बहन को चिढ़ाने के लिए कुछ ऐसा बोलते हैं ना जो उसको सुनता भी नहीं है, कि ये शिकायत भी नहीं कर सकता. हम बड़बड़ाते हैं उसको, कुछ दिखाने के लिए उसको कुछ बोलते भी हैं और उसको समझ में भी नहीं आता है कि उसने क्या बोलते हैं. उसको बोलते हैं मम्बल. कि अगर मम्मी को शिकायत करेगा तो हम बोलेंगे कि मैंने क्या बोला, पूछो इससे और बताएगा क्या, क्योंकि उसको समझ में नहीं आया बट आपने कुछ बोला. तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? मम्बल. ओके सो नेक्स्ट रिमेनिंग चैप्टर वी विल रीड गाइस टुमोरो. टिल देन
Till here, you just read this chapter and understand it. What is the meaning of the story and whatever hard words are there, just learn them. Thank you.